नमस्कार, डीएनएक्स प्रेरणा स्वागत है आपका। किसी भी व्यक्ति या विधा, निरंतर कर्म, कर्म से हासिल उपलब्धि और उपलब्धियों की फेहरिस्त जो अन्य किसी के लिए प्रेरणा बने, जिससे आप प्रेरित हो सके, कुछ ऐसी ही दास्तां जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं प्रेरणा में। प्रेरणा की आज की कड़ी में साउथ का सुपरस्टार, साउथ ही नहीं वरन हिंदुस्तान का सुपरस्टार, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का सुपरस्टार रजनीकांत। दादा साहब फाल्के अवार्ड इस साल मशहूर अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत को, थलाइवा शिवाजी राव गायकवाड़ जादूगर रजनीकांत, ये शब्द अलग हैं पर नाम है एक ही शख्स के, और वो शख्स है साउथ की फिल्मों का सुपरस्टार रजनीकांत। एशिया में चीनी अभिनेता जैकी चैन के बाद सबसे ज़्यादा मेहनताना पाने वाला अभिनेता, जिसने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया तो 24 घंटे में ही फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 2,10,000 हो गई, जिसे 2007 में एक फिल्म के लिए 43 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। विश्व विख्यात साउथ का सुपरस्टार रजनीकांत, जिसका पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़। डीएनएक्स प्रेरणा की आज की कड़ी में जमीन से उठकर आसमां की सीमा लांघने वाले शख्सियतों में शुमार इस बार रजनीकांत, क्योंकि उनकी कहानी कुछ अलग है, उनका अंदाज अनोखा है। शिक्षा पूरी करने के बाद पहले कारपेंटर की नौकरी, फिर कूली का काम, फिर बस कंडक्टर, फिर एक अभिनेता, अभिनेता से बना स्टार, फिर सुपरस्टार की कहानी, अर्श से फर्श के सफर में सफलता के राहों की प्रेरणा रजनीकांत। मशहूर अभिनेता, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय सुपरस्टार को इस साल के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय सुपरस्टार बनने का सफर, इस सफर में कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, कितनी कठिनाइयों भरा रहा होगा यह सफर, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। आइए जानते हैं रजनीकांत के इस कठिन सफर का बचपन से लेकर आज तक की कहानी। रजनीकांत का जन्मदिन पड़ता है 12 दिसंबर। दिसंबर 1950 को कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु में जन्मे रजनीकांत का परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। रजनीकांत की माता रामबाई थी, जो कि एक गृहिणी थी, और पिता का नाम था रामोजी राव गायकवाड़। रामोजी राव गायकवाड़ पुलिस कांस्टेबल थे। एक साधारण पुलिस कांस्टेबल के घर की आर्थिक स्थिति 3-4-5 लोगों के परिवार के लिए कैसी रह सकती है, इसका आप अंदाज़ा सहज ही लगा सकते हैं। चूँकि रजनीकांत मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखते थे, इसलिए उनका नाम महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम से रखा गया। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, और रजनीकांत के साथ एक हादसा बचपन में ही हुआ। महज 5 साल की उम्र में ही उन्हें अपनी माँ को खोना पड़ा। रजनीकांत की प्रारंभिक शिक्षा गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में हुई। रजनीकांत उस समय पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखते थे। बचपने से ही रजनीकांत की पढ़ाई में भी रुचि थी, और उनका झुकाव अध्यात्म की ओर भी था। अध्यात्म की ओर उनके झुकाव के चलते ही उनके आगे की शिक्षा के लिए उनके परिजनों ने रामकृष्ण मठ का चयन किया। रजनीकांत की उच्च शिक्षा रामकृष्ण मठ में संपन्न हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद रजनीकांत ने कारपेंटर की नौकरी शुरू कर ली। कारपेंटर की नौकरी के साथ उन्होंने कुली का काम भी किया। इसी बीच बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसके लिए रजनीकांत ने बाकायदा परीक्षा दी, और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। वे बस कंडक्टर बन गए। बीटी कंडक्टर के नाम से जाने जाने लगे रजनीकांत। रजनीकांत को इस काम से आर्थिक रूप से स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन यह उनका मुकाम नहीं था। उनके अंदर अभिनय की जो जिज्ञासा थी, वह उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। अभिनय का शौक ही था रजनीकांत का, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान उन पर मशहूर निर्देशक बालाचंदर रजनीकांत के अभिनय से बहुत प्रभावित हुए। अभिनय के अनोखे अंदाज, अटूट मेहनत करने की क्षमता और बालाचंदर जी का सलाह, रजनीकांत चल पड़े। रजनीकांत का नाम हो गया। रजनीकांत अभिनेता से स्टार बन चुके थे। अब स्टार बन चुके हैं तो स्वाभाविक रूप से मैगजीन और अखबार में छपना भी जरूरी है। ऐसा ही कुछ एक बार हुआ। रजनीकांत को एक मैगजीन के इंटरव्यू के लिए आई लता एथिराज, जो एक कॉलेज की स्टूडेंट थी। अपने कॉलेज के मैगजीन के लिए लता एथिराज ने रजनीकांत का इंटरव्यू लिया।
लता एथिराज से पहली मुलाकात जीवन भर के लिए स्थायी जुड़ाव का अवसर खोल दिया और यही लता एथिराज से आगे जाकर रजनीकांत की शादी हुई। लता रंगाचारी 24 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लता एथिराज अर्थात लता रंगाचारी इनसे ही रजनीकांत ने शादी किया और जीवन भर के लिए यह बनी रजनीकांत की संगनी। रजनीकांत की पत्नी इन दिनों दी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती हैं। रजनीकांत की दो बेटियां हुई। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की शादी 2004 में अभिनेता धनुष से हुई है और छोटी बेटी सौंदर्या जो कि तमिल फिल्म जगत में प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर हैं सितंबर 2010 में मशहूर बिजनेसमैन स्विन राम कुमार से छोटी बेटी की शादी हुई। यह थी रजनीकांत की पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब आइए नज़र डालते हैं रजनीकांत को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1984 में नल्लवमुक नल्लवम फिल्म में बेस्ट तमिल एक्टर के लिए दिया गया था। सन 2000 में भारत सरकार की तरफ से रजनीकांत को पद्म भूषण से नवाजा गया। अब आपको हम परिचित कराने जा रहे हैं रजनीकांत के बारे में कुछ रोचक तथ्यों से। रजनीकांत की फिल्में जितनी रोचक हैं उतना ही शानदार उनका व्यक्तित्व है और उनके निजी जीवन में रोचक पहलुओं का बड़ा योगदान है। रजनीकांत बहुत ही दानशील व्यक्ति हैं। वे अक्सर सामाजिक कार्यों के लिए दान देते रहते हैं। शुरुआती दौर में रजनीकांत ज़्यादातर फिल्मों में विलेन का ही किरदार निभाते थे। बॉलीवुड में रजनीकांत की एंट्री अंधा कानून फिल्म से हुई जो सन 1983 में आई थी जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। अब अंत में आपको रजनीकांत के जीवन से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात से रूबरू कराने जा रहे हैं। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने पाठ्यक्रम में एक नया पाठ जोड़ा है जिसका नाम है फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार। यह पाठ रजनीकांत के जीवन के बारे में है। इसके साथ ही रजनीकांत पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिन्हें CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यह थी रजनीकांत का जीवन परिचय और फर्श से लेकर अर्श तक का उनका सफर। आप भी देखते रहें DNX प्रेरणा। इसी तरीके के जानकारियों के लिए और अपने पसंदीदा अभिनेता नेता और समाज से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों खिलाड़ियों के जीवन से जुड़े पहलुओं को जानने के लिए आप देखते रहें DNX प्रेरणा। न सिर्फ DNX प्रेरणा आप देखें वरन लोगों को भी प्रेरित करें कि वे भी DNX प्रेरणा ज़रूर देखें और आप भी इन कहानियों से प्रेरित होकर अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं।